हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटरी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फाइव दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैंडल का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्टूडेंट ओके दैट इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ मैंडल और मैंडल ने थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस देन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड देन प्रिंसिपल ऑफ इनडिपेंडेंट असार्टमेंट स्टूडेंट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो मैंडल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वन जीन क्यों मैंने बताया था आपको कि ये वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड को कंसिडर करता है वन पेयर ऑफ एलील को कंसिडर करता है इसलिए ये क्या है इट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन राइट स्टूडेंट और इसको लॉ सेग्रीगेशन क्यों बोलते हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको कि F1 प्लांट्स को जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 में क्या होता है जो ट्रेड्स है वो वो सेपरेट हो जाता है सेग्रीगेट हो जाता है और उसका फिनोटिपिक रेशियो थ्री इज़ टू वन और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है स्टूडेंट वन इज़ टू टू इज़ टू वन यानी यहाँ क्या हुआ सेपरेशन हुआ और कुछ गैमिट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं प्योर फॉर्म में मिलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन करेक्ट सो स्टूडेंट हम लोग आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनडिपेंडेंट असार्टमेंट और प्रिंसिपल ऑफ इनडिपेंडेंट असार्टमेंट दैट इज फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस और आज आप सीखेंगे कि कैसे डाई हेब्रिड क्रॉस करा रहे हैं और उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसे आ रहा है जिनोटिपिक रेशियो है वो कैसे आ रहा है स्टूडेंट और कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गैमिट्स बन रहे हैं वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और गैमिट्स कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी हम आपको फार्मूला के थ्रू समझा चुके हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ एनेटेंस एंड वेरिएशंस ये चैप्टर है स्टूडेंट और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ट लॉ ऑफ इनडिपेंडेंट असार्टमेंट स्टूडेंट आइए इसको एनालाइज करते हैं देखिए लॉ लॉ का मतलब समझ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट का मतलब जो किसी के साथ अटैच नहीं है फ्री है बिल्कुल इनडिपेंडेंट है असार्टमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट ट्रांसफर यानी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तो ये असार्टमेंट हो गया अब तीनों को मिला देंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और ये किसके लिए है दिस इज फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टूडेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाई हाइब्रिड डाई मींस टू हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड प्लांट बन रहा है तो दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड को कंसिडर करके क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील्स को कंसिडर करके क्रॉस कराते हैं तो बोलते हैं डाईबिट है क्रॉस तो मेंडल का ये कहना था कि अगर आप वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड को कंसिडर कर रहे हैं तो एफ वन जनरेसन में केवल एक ही ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेड और दूसरा जो नहीं एक्सप्रेस हो पाएगा उसको बोलेंगे रेसेसिव ट्रेड और एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील और एलील वहाँ दूसरे केस में बोलेंगे रेसेसिव एलील और ऐसा क्यों है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में क्लियर तो मैंडल ने ये कहा कि अगर आप वन की बजाय टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लेते हैं या उससे ज्यादा लेते हैं तो एवरी एलील अपना इनडिपेंडेंट असार्टमेंट मीन्स ट्रांसफर शो करता है और अपना इनडिपेंडेंट इफेक्ट भी शो करता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंट असार्टमेंट और लॉ ऑफ इनडिपेंडेंट असार्टमेंट मीन्स इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वेन टू पी प्लांट्स मेंडल है पी प्लांट्स के लिए ऐसे ये किसी ऑर्गेनिज्म के लिए भी हो सकता है पर यहाँ पे मेंडल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं तो पी प्लांट का नाम लेंगे अदरवाइज डाईहाइब्रिड क्रॉस किसी एनिमल और प्लांट के लिए भी हो सकता है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वैन टू पी प्लांट्स आर क्रॉस्ड स्टूडेंट क्रॉस को मैंने बताया था हाइब्रिडाइज्ड बाई Considering two pairs of contrasting traits in F1 generation only. Dominant trait appear whereas in F two generation there is independent. ट्रांसफर इसी को बोला गया स्टूडेंट असार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट ये क्या करता है प्रिंसिपल एक बार फिर से समझिए ये प्रिंसिपल ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि जब दो पी प्लांट को आप क्रॉस करा रहे हैं हाइब्रिडाइज जिसको टेक्निकली बोल रहे हैं बाई कंसिडरिंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आप टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कंसिडर कर रहे हो तो इन एफ वन जनरेशन क्या होगा ओनली वन ओनली डोमिनेंट ट्रेट्स वहाँ पे वन यहाँ पे टू डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर्स वेयर इज इन एफ टू जनरेशन देर इज़ इनडिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ एलिल्स ट्रांसफर मीनस असार्टमेंट और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनडिपेंडेंट असाइटमेंट और यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मिलता है नाइन इस टू थ्री इस टू थ्री एज टू वन वो कैसे है वो हम लोग आइए कंसीडर करते हैं और समझते हैं सो स्टूडेंट यू कैन नोट डाउन दिस स्टेटमेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम फिनोटिपिक रेशियो बताया मैंने आपको एफ टू में जो मिलता है जनरेशन में नाइन इस टू थ्री एस टू थ्री एस टू वन और जिनो रेशियो वन एज टू टू एस टू टू एस टू फोर एस टू टू एस टू टू एस टू वन एस टू वन एस टू वन तीन बार वन है टोटल जोड़ेंगे सिक्सटीन हो जाएगा स्टूडेंट, ओके तो आइए अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिज़ाइन करते हैं यानी दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड को आपको कंसीडर करना है और आपको मैंने सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स और उसके एलील्स का चार्ट दिया था स्टूडेंट वो चार्ट आपको याद होगा उसका अभी देखिए यूज होने जा रहा है यहां पे प्लांट क्या लिया आपने राउंड येलो सीड राउंड येलो सीड आप ले रहे हैं वाला प्लांट उसको क्रॉस करा रहे हैं अब देखिए राउंड सीड है तो राउंड का ये डोमिनेंट है इसका रेसेसिव बताइए क्या होगा राउंड का रेसेसिव क्या होगा रिंकल्ड ठीक है और येलो का रिसेसिव क्या होगा स्टूडेंट ग्रीन और सीड तो है ही है राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स तो ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है अब इसका देखिए यहाँ पे दो आपने लिया है दो ट्रेड एक लिया है राउंड और दूसरा लिया है येलो उसके अपोजिट में क्या लिया है रिंकल्ड और यहाँ आपने लिया है ग्रीन क्लियर अब देखिए राउंड के लिए जो आप लीन लिए थे वो क्या था कैपिटल आर कैपिटल आर और इसका रिसेसिव है तो इसका होगा स्मॉल आर स्मॉल आर क्लियर येलो सीड्स के लिए बताइए क्या लिया था आपने लीन कैपिटल वाई कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए कैपिटल वाई मैंने बताया था उसका ठीक लेटर स्मॉल हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई यहाँ पे स्मॉल आर इसमॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में ऑफ एनली ये फाइव मार्क्स में आता है और इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले इसको समझ लीजिए कैसे होता है तो ये पेरेंट जनरेशन हो गया दिस इज पेरेंट जनरेशन क्लियर अब देखिए इसका आपको क्या बनाना है पहले गैमिट्स बनाना है पॉसिबल तो यहाँ पे आप लेंगे मैंने बताया था जिस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई और दोबारा वही बनेगा तो दोबारा नहीं लिखेंगे फिर ये वाला लेंगे सेकंड, कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि वही बनेगा अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई एक दूसरा वही नहीं बनेगा तो दूसरा लेंगे मतलब सेम बनेगा तो कॉमन एक ही ले रहे हैं इस्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई दूसरे वाले के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई दोबारा है तो एक ही लेंगे तो क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ क्या होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई अब देखिए ये पेरेंट जनरेशन है अभी हम एफ के लिए जा रहे हैं आपको यहाँ पे देखिए दो दो मिला क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं हम लोग इंडिपेंडेंट असार्टमेंट स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट तो वन टू दो एली लें यहाँ पे वन टू दो ए ली ले यहाँ पे भी वन टू दो एली लें वन टू दो एली लें तो टू इधर टू इधर टू टू ज फोर तो पहले जो बॉक्स बनेगा एफ़ के लिए पुनेट स्क्वायर इसको आप बोलते हैं पुनेट स्क्वायर इसमें क्या होगा स्टूडेंट इसमें आर वाई आर वाई ये हो गया यहाँ पर लेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई क्लियर अब इन दोनों को मैच कराएंगे तो पहले आर आर लिखेंगे एक साथ वाई वाई लिखेंगे एक साथ और कैपिटल पहले लिखेंगे स्मॉल बाद में स्टोर तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर एक साथ वाई वाई एक साथ कैपिटल पहले स्मॉल बाद यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेम सिचुएशन है तो सेम यहाँ भी बने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा पूरा मैथ्स है और बायोलॉजी का मैथ्स यही है ओके ध्यान से समझिएगा ये कौन सा जनरेशन हो गया दिस इज एफ वन जनरेशन अब इसमें देखिए कैसा होगा ये राउंड है कैपिटल आर एक्सप्रेस हो रहा है राउंड और कैपिटल वाई येलो यहां पे भी राउंड और येलो ये भी राउंड येलो ये भी राउंड येलो तो इसमें ऑल आर क्या है राउंड येलो तो ये इसका क्या हो गया Phenotype. इसका फिनोटाइप हो गया मतलब मार्फोलॉजिकल अपियर ऑल अराउंड येलो अब इसका आप लेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप तो जीनो इसका सब एक ही जैसा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो कोई रेशियो नहीं बनेगा तो जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल बाई ये एफ वन जनरेशन का रिजल्ट हो गया स्टूडेंट अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये चारों सेम है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तो हम लोग इसको सेल्फ़ क्रॉस करा सकते हैं और F2 के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अगर सेम नहीं है तो फिर यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा फिर अगर क्वेश्चन आता है कि इस और इस प्लान के बीच में क्रॉस कराई तभी कराएंगे अदरवाइज़ यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा लेकिन यहाँ चारों एक जैसा है तो सेल्फ़ करा के हम लोग एफ़ को आगे बढ़ा के एफ़ जनरेशन का रिजल्ट ऑप्टेन कर सकते हैं सो so, us टेक नेक्स्ट स्टेप सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं देखिए यहाँ पे पहले आप बना लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं जिससे ज़्यादा स्पेस मिल जाए हम लोगों को कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसको क्रॉस कराना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये क्या है स्टूडेंट ये है एफ वन जनरेशन का रिजल्ट क्लियर अब इसमें कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको गैमिट्स बनाना है अब गैमिट्स को फार्मूले से अगर आप चेक करें कि हाउ मेनी गैमिट्स आर फॉर्म मैंने बताया था फार्मूला अगर आप देखते हैं तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कितने गैमिट्स बनते हैं तो हाउ मेनी गैमिट्स आर फॉर्म तो देखिए यहाँ पे आपको गैमिट्स के लिए फार्मूला क्या है टू डू दी पावर एन और एन क्या है स्टूडेंट नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोसाई तो यहाँ कितनी जगह हेट्रोजाइगस है वन टू तो यानी क्या हो गया ये हो गया टू टू दावर टू मीन्स टू इंटू टू यानी कितने गैमिट्स बनेंगे स्टूडेंट यहां पे फोर गैमिट्स बनेगा क्लियर फोर गैमिट्स बनेगा अब ये आपको पता चल गया कि फोर गैमिट्स बनेगा अब देखिए कैसे बनाएंगे एक तरीका और मैंने बताया था आपको कि दो पेयर अगर है वन वन ये बिल्कुल ब्लैंक स्टेट मेथड है जिसमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं पर आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा यहाँ मैंने बताया था दो पेयर है एक आपने लिया पहला लिया आपने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाना है कैपिटल आर आर आपने लिया तो देखिए कैपिटल आर इसके साथ आपने क्या लिया कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर के साथ क्या लिया आपने स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है नहीं फिर आपने लिया इस्मॉल आर इसमोल आर के साथ क्या लिया आपने कैपिटल वाई और फिर आपने कॉमा लगाया फिर इस्मॉल आर के साथ क्या लिया स्मॉल आर इस्मॉल वाई तो हाउ मेनी गैमिट्स आर फॉर्म स्मॉल आर के साथ और कोई पॉसिबिलिटी है नो no. तो देखिए वन टू थ्री फोर ओके वन टू थ्री फोर यहाँ पे देखिए भाई सेम कॉम्बिनेशन है तो सेम बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई Small आर कैपिटल Y, small आर इस्मॉलॉल भाई के hey, स्टूडेंट तो देखिए अब यहाँ ध्यान से समझिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मैथ आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो कितने गैमिट्स बने आपको वन टू थ्री फोर यहाँ पे कितना बना वन टू थ्री फोर अब देखिए आपका फार्मूला क्या बोलता है फार्मूला से भी आपने पता चला कि फोर गैमिट्स बनने हैं क्लियर अब आइए इसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीनो टाइप टाइप कैसे आ रहा है देखिए तो फोर इधर गैमिट्स बन गया फोर इधर बन गया और बीच में क्या है मल्टीप्लाई तो अब आप बताइए कितना पोनिट स्क्वायर बनेगा फोर इधर फोर इधर फोर फोर जाए स्टूडेंट सिक्सटीन करेक्ट और सिक्सटीन बॉक्स बनेगा यहाँ पे तो आइए सिक्सटीन बना लेते हैं अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा सिर्फ सिक्सटीन कॉलम आपको बनाने के सो सिक्सटीन कॉलम यहाँ पे बन गया देखिए कैसे बनेगा वन फिर टू फिर यहाँ पे थ्री ठीक है थ्री लाइन लेंगे और इधर भी थ्री लेंगे वन फिर टू फिर इधर आ गया थ्री तो so, कितने बॉक्स बने स्टूडेंट काउंट करिए वन टू थ्री फोर फोर टू जै एट फोर थ्री जो ट्वेल्व फोर फोर जहा सिक्सटीन सिक्सटीन बॉक्स बन गए अब यही चारों गैमिट्स आपको इधर रखने हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई बहुत आराम से लिखेंगे जल्दीबाजी करेंगे गड़बड़ हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई क्लास स्टूडेंट वही चीज़ इधर लिखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल बाई क्लियर अब आपको देखिए इसको कॉम्बिनेशन बनाना है बहुत आराम से आप करेंगे एक को यहाँ पे एक पेयर ऑफ गैमिट्स को उठा रहे हैं डाई हाइब्रिड है, है। इससे मिलाएंगे यहाँ पे लिखेंगे फिर इसको इससे मिलाएंगे यहाँ लिखेंगे फिर इसी को इससे मिलाएंगे इस कॉलम में लिखेंगे इसको इससे मिलाएंगे यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट क्लियर और फिर दूसरा वाला भी वही काम करेंगे तो आइए पहला देखते हैं ये ध्यान रखिएगा आर आर एक साथ लिखना है वाई वाई एक साथ लिखना है लेकिन इसमें कैपिटल पहले लिखाएगा और स्मॉल बाद में और दोनों कैपिटल है तो एक साथ ही लिखाएगा जैसे देखिए कैपिटल आर यहाँ है कैपिटल आ रहा है तो क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ है कैपिटल वाई यहाँ है तो क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई अब यहाँ देखिए क्या है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल भाई स्मॉल वाई क्लियर और इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल भाई कैपिटल वाई क्लियर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल भाई स्मॉल वाई और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई यहाँ क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब देखिए दूसरा देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया तो अब देखिए सेकंड कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई जैसा कॉम्बिनेशन होगा वैसा लेंगे ठीक है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई अब आइए यहाँ पे लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको करना है क्योंकि एक जगह अगर आपने मिस्टेक किया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी हम लोगों की ठीक है तो कैपिटल आर चेक कर लीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉलर लिख लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ पे देखिए स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो स्टूडेंट तो तो यहाँ हुआ क्या यहाँ पे देखिए सिक्सटीन आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल गया अब इसका निकालना है फिनो अच्छा ये जनरेशन कौन सा हुआ दिस इज़ F2 टू क्योंकि F1 को हम लोग ये F1 है इसका सेल्फ क्रॉस करा कराना F2 मिल गया ओके अब इसका हमको निकालना है फिनो और जीनो टाइप सो so, स्टूडेंट पहले फिनो निकालते हैं सो so, इतना आप नोट no डाउन कर सकते हैं ठीक है यू कैन नोट डाउन दी थिंग्स बाई पॉजिंग योर सिस्टम यहाँ तक हम इसको क्लीन कर देते हैं जैसे हम लोग और जिनोटिपिक को अच्छे से लिख सकें तो ये हो गया यहाँ पे क्लीन अब आइए लेटेस्ट स्टडी अब फिनो टाइप लेते हैं स्टूडेंट पहले फिनोटिपिक रेशियो लेते अब देखिए फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा देखिए ये प्लांट आपको कैसा दिखेगा ये देखना है वही फिनोटिपिक हुआ तो ये राउंड है और कैपिटल बाई है तो ये लो तो राउंड ये लो इसको ये पहला प्लांट हो गया आपका राउंड ये लो टिक कर लीजिएगा तो एक कॉलम ही बना लीजिए राउंड येलो ये कॉलम बना लीजिए स्टूडेंट अब यहाँ पे लिखना शुरू करिए राउंड येलो वन प्लस ऐसे लिख दीजिए इसको टिक करते जाएंगे जिससे याद रहेगा कि आपने इसको ले लिया ये कैसा होगा राउंड येलो ये कैसा होगा राउंड येलो ये ये कैसा होगा राउंड येलो यानी चार प्लांट हो गए राउंड येलो तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन चार प्लांट हो गए राउंड येलो ये आइए देखिए इसका क्या है राउंड येलो एक और प्लांट मिला आपको राउंड येलो प्लस वन कर दिया आपने अब देखिए यहाँ पे राउंड है और स्मॉल वाई स्मॉल वाई है स्टूडेंट स्मॉल वाई स्मॉल वाई के लिए आपने क्या लिया था राउंड यहाँ येलो नहीं होगा यहाँ पे ग्रीन होगा तो राउंड ग्रीन तो एक दूसरा कॉलम बन गया राउंड ग्रीन क्लियर तो एक मिला अभी तक आपको राउंड ग्रीन इसको टिक कर लीजिए जिससे याद रहेगा कि हाँ आपने इसको ले लिया है अब ये देखिए कैसा होगा राउंड और येलो इसको भी टिक कर लीजिए तो राउंड और येलो हुआ ये स्टूडेंट कैसा होगा राउंड और ग्रीन स्मॉल बाई है तो राउंड तो ग्रीन एक और मिला ये हो गया अब देखिए ये क्या कैसा होगा राउंड लो ये कैसा होगा राउंड येलो तो दो और मिला आपको राउंड और येलो तो राउंड और येलो दो और मिला अब देखिए स्मॉल 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 के लिए स्टूडेंट आपने क्या बनाया था रिंकल्ड येलो तो रिंकल्ड येलो एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा आपको रिंकल्ड ये लो वन एक मिला आपको इसको टिक कर लीजिए यहाँ पे क्या होगा रिंकल स्मॉलर स्मॉलर है कैपिटल बाई येलो तो ये भी क्या होगा रिंकल और येलो एक और मिल गया अच्छा अब आइए ये, ये कैसा होगा राउंड येलो तो राउंड येलो एक और मिल गया आपको ये कैसा होगा राउंड और ग्रीन तो राउंड ग्रीन एक और मिल गया प्लस वन ये कैसा होगा स्टूडेंट रिंकड और ये लो तो रिंकल्ड येलो कॉलम आपने पहले बना रखा है प्लस वन अब देखिए फाइनल एक लास्ट बचा स्मॉल स्मॉलर स्मॉल बाई स्मॉल बाई तो स्मॉल और इस्मालर क्या स्टूडेंट रिंकल्ड और स्मॉल वाई स्मॉल वाई क्या है ग्रीन तो ये क्या हो जाएगा एक अलग कॉलम बन गया इसको बोलेंगे रिंकल्ड ग्रीन क्लियर एक बन गया अब आप इसको टोटल करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यानी नाइन क्या हो गया स्टूडेंट राउंड और येलो इधर टोटल करिए वन टू थ्री थ्री क्या हो गया राउंड ग्रीन यहाँ पे टोटल कर लिए रिंकल्ड येलो यहाँ पे भी थ्री हो गया और रिंकल ग्रीन क्या हो गया स्टूडेंट वन अब आपका रेशियो क्या हो गया देखिए कितना बढ़िया रेशियो आ गया नाइन थ्री थ्री वन तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ नाइन इस टू थ्री टू थ्री टू वन और उसको टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा स्टूडेंट 16 तो 16 आना चाहिए 16 से कम आ रहा है तो गड़बड़ है तो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज़ टू वन तो ये 16 तो ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया क्लियर देखिए कितना बढ़िया रेशियो आपका फिनोटिपिक आ गया ओके okay, स्टूडेंट तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आपके लिए अच्छा रहेगा और भी इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे सो यू कैन नोट डाउन दी कंटेंट बाई पॉजिंग योर सिस्टम अब देखिए इधर हम उसको क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जीनोटिपिक रेशियो निकालना है वो भी सीख लिया जाए ऑल दो जीनोटिपिक रेशियो आपको जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं निकालने के लिए आता है क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है फिनोटिपिक रेशियो तक ही आता है डाई हाइब्रिड के लिए और F2 के लिए और F1 वन के में फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों निकाल सकते हैं क्योंकि फोर कॉम्बिनेशन होते हैं अब देखिए इसका अगर आप जीनोटिपिक रेशियो निकाल लें जीनोटिपिक रेशियो अब स्टूडेंट इस देखिए इसमें क्या है इसमें आपको बाहर से देखने में जैसे राउंड येलो दिख रहा था अब वो नहीं देखना है अब हमको एलिल का कॉम्बिनेशन देखना है तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई अब आपको देखना है कि इस इस तरह का एलील कोई और है चार्ट में तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इसमें कोई आपको ऐसा दिख रहा है केवल यही है इसको ठीक कर लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए वन वन इज़ टू अब देखिए यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब आपको देखना है इसमें कोई है और कोई है तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई इधर तो नहीं दिखा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई यहाँ दिखा तो देखिए ये इसको टिक कर लीजिए एक हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई एक इधर हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई दो हो गया देखिए लेकिन ये कैपिटल आर कैपिटल आर है यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है तो वो आपको नहीं लेना है बिल्कुल उसी की तरह देखना है आपको कैपिटल आर कैपिटल आर वाला देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक यहाँ दिख रहा है और कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक यहाँ दिख रहा है यानी ये दो आपको मिला ठीक है तो ये पहला वाला जो आपने लिखा था ये किसके लिए लिखा था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई वन दूसरा आप ले रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये क्या हो गया स्टूडेंट टू अब नीचे टिक कर लीजिएगा क्योंकि ऊपर आपने फिनोटिपिक के लिए टिक किया नीचे जिनोटिपिक के लिए अब देखिए नेक्स्ट आपको लेना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई देखिए और कोई है ये भी नहीं है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये नहीं है इधर भी नहीं है इधर देखिए इधर कै इधर मिला आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इधर मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और चेक करते जाइए कोई है इसमें और तो कोई नहीं दिख रहा है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो ये आप ले रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कितना हुआ दो मिला अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये सर्च करना है तो देखिए एक या अब मैं यहाँ मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इधर का पूरा हो चुका है यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर ये लेना नहीं है हमें लेना ये कैपिटल स्मॉल इस्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल बाई यहाँ मिला दो इधर नहीं मिला अब यहाँ देखिए ये नहीं है ये ले चुके हैं ये देखिए मिला तीन ओके इधर नहीं है ये देखिए मिला फ़ोर कैपिटल आर स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल बाई और इधर कोई नहीं है तो यहाँ से देखिए ऐसे चल रहा है कैपिटल आर स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल बाई ऐसे चल रहा है देखिए स्टोर यहाँ पे इस तरह से राइट यहाँ से देखिए आ रहा है तो कितना मिला फोर तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाउ मेनी फोर क्लियर तो ये देखिए हो गया बन गया अब इधर का पूरा आप लिख चुके हैं नीचे टिक है मतलब जीनो टाइप ले चुके हैं अब यहाँ पे आइए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये आपको देखना है कि इसका कितनी जगह पे यहाँ पे है तो देखिए एक तो ये मिल गया हमें कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई खोजना है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है कैपिटल आर कैपिटल आर लेना है यहाँ पे ले चुके हैं यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं, नहीं है तो देखिए एक ही मिला हम लोगों को क्या मिला स्टूडेंट कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई एक मिला अब देखिए इसको लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये बना लीजिए यहाँ पहले नोट कर लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई अब यहाँ पे आप सर्किल बना सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट आप ले रहे हैं तो जिससे कन्फ्यूज़न ना हो तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई और लीजिए देखिए कितना इसमें है ये तो ले चुके हैं इसमें नहीं है यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर मिला यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल बाई तो दो मिला स्टूडेंट दो ले लेते हैं क्लियर अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं अब ये बचा स्मॉल आर इसको अंडरलाइन कर लीजिए डिफरेंट सिंबल से स्मॉल स्मॉल स्मॉलर कैपिटल भाई कैपिटल भाई पहले नोट कर लीजिए स्मॉल आर स्मॉलर कैपिटल भाई कैपिटल भाई अब देखिए यहाँ पर स्मॉल स्मॉलर कैपिटल भाई है लेकिन स्मॉल भाई ये नहीं लेना है हमको लेना है स्मॉल स्मॉल इस्मालर कैपिटल भाई कैपिटल भाई यहाँ पे कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है स्मॉल स्मॉल स्मॉलर कैपिटल भाई कैपिटल भाई यहाँ पे स्मॉलर स्मॉलर है लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें डबल कैपिटल लेना है तो एक मिला यहाँ पे नोट कर लीजिए ये ख़त्म हो गया अब देखिए इसको लेना है यहाँ पे स्टार लगा दीजिए स्मॉलर स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो इस्मॉलर स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्टार लगा है वन एक वन है और देखिए क्या है और कहीं पे है तो स्मॉल और स्मॉलर कैपिटल वाई कैपिटल वाई यहाँ मिला तो दो मिला दो मिला अब लास्ट में स्टूडेंट क्या बचा स्मॉल और स्मॉलर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ठीक है तो इसको ऐसे आप ऐसे बना लीजिए तो स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल वाई स्मॉल वाई क्या हुआ वन ठीक है अब इसको पहले काउंट करिए कि क्या ये सोलह है अगर ये सोलह है तभी समझ है। देखते हैं वन टू कितना होगा वन टू टू वन थ्री थ्री टू फाइव फाइव फोर नाइन नाइन वन टेन टेन और टू ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन टोटल हो गया सिक्सटीन स्टूडेंट इसका मतलब कि आपका जो रिज़ल्ट आया है वो सही दैट इज़ करेक्ट okay? ओके रिज़ल्ट बिल्कुल सही है करेक्ट है अब देखिए वन टू टू फोर वन टू वन वन प्लस वन वन सिक्सटीन अगर सिक्सटीन आता है तो रिज़ल्ट आपका बिल्कुल सही है करेक्ट अब इसमें रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा देखिए वन स्क्वायर इंज कर लीजिए वन दो टू है टू इस टू टू इस टू फोर ये आया ठीक है और इस टू वन इस टू टू इस टू वन इस टू टू इस टू वन यह आ गया वन इज टू टू इज टू टू इस टू फोर इस टू वन इस टू टू इस टू वन इस टू टू इज टू वन या इसको आप सिस्टमेटिक अरेंज कर दीजिए वन इज़ टू टू इज टू टू इस टू फोर इज टू टू इस टू टू इस टू वन इस टू वन इज टू वन स्टूडेंट काउंट करिए सिक्सटीन हुआ या नहीं यहाँ फाइव फोर नाइन नाइन और फाइव फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन यहाँ पे सिक्सटीन हो गया ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो आ गया स्टूडेंट ये बहुत टाइम टेकिंग है और थोड़ा समय लेता है और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें देखिए अगर आपने एक भी सेलेक्ट करने में गड़बड़ी कर दी तो दैट मीन्स कि पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है और जिनो बहुत रेयरली आता है पर ये आया कैसे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग तो मुझे आपको बताना कंपल्सरी था और आई होप कि आप इसको ज़रूर दो चार बार बनाकर प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है ये बायोलॉजी का प्योर मैथ्स है एक जगह गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा इसलिए बहुत ध्यान से करेगा और अगर ये आता है बोर्ड एग्जाम में तो फाइव मार्क्स से कम में नहीं आएगा और आपने सही कर दिया फुल मार्क्स मिलेगा आपको फाइव सो स्टूडेंट विल कॉन्टिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नए क्वेश्चन के साथ सो टिल देन थैंक यू वेरी मच